और चांडिल के एसडीओ डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा ने स्टेशन के पास दो पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राशन ले रहे लाभुकों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने का निर्देश भी दिया। साथ ही पीडीएस दुकानों के डीलर को भी लॉकडाउन का पालन करते हुए उपभोक्ताओं का सोशल डिस्टेंस करने के निर्देश दिए हैं उन्हें, ताकि इस तरह के नियमों का लोग उल्लंघन न करें। एसडीओ ने डीलरों को निर्देश देते हुए ये भी कहा है, जिसका जो हक है उसे वो हक मिलना चाहिए, उसे दिया जाना चाहिए। किसी भी लाभुक का राशन कटौती नहीं किया जाए, नहीं तो राशन डीलरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीडीएस दुकान, एक हम दिनेश कुमार राठौर और एक सुरेश लाल गुप्ता, इन दोनों की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। जानकारी के क्रम में पता हुआ कि भाई इन लोगों ने अप्रैल और मई ये दो महीने का राशन लोगों को दे दिया था, फिर मार्च का, क्योंकि इनका लैप्स हो गया था मार्च महीने का, इनका अनाज बाद में आया है उसका वितरण इनके द्वारा किया जा रहा है। और मई महीने में अंत्योदय कार्डधारियों को प्रति कार्डधारी 3 किलो चावल